दिल्ली से हमारे साथ शीला जी, स्वागत है आपका। बोलिए जी से बात जी। शीला जी जी बताइए करनी जी है। हाँ नमस्ते। जी आदाब बताइए। हाँ मतलब पेट की तकलीफ है, हम कम से कम 35 साल हो गई। पेट की तकलीफ है, कब्ज रहता है, क्या ज्यादा क्या है, गैस लगती है ज्यादा, लेकिन लगती है? हाँ ठीक है ज्यादा और भी है तकलीफ। जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है और टीवी की आवाज हेलो बल्कि हेलो हेलो, आवाज देखो कम करना। टीवी की आवाज कम कर दे तो हमें आसानी हो जाएगी। शिला जी जी ठीक है, आवाज कम कर। हाँ बस जी, हमें मतलब पेट की तकलीफ है 35 साल से, ठीक है ठीक और मेरे सिर में भी बहुत दर्द होता है। है ठीक है। उम्र आपकी कितनी और है? उम्र 42, और भी बता रही हूँ, बीमारी बहुत सारी है। जी बता दीजिए, आज सब बता दीजिए। और मतलब खून की भी कमी रहती है बहुत ज्यादा, खून क्या रहती है? खून की कमी भी है बहुत ज्यादा। की कमी, और खून की कमी हाँ जी, ठीक है और ठीक। मतलब मेरा सूजन बताइए शरीर पर, पूरे पर इलाज भी करवाया तो ठीक नहीं हुई, और ये लैट्रिन का भी बहुत इलाज करवाया हमने, इसलिए आप आपके मतलब उम्मीद लगा के फोन किया कि आप भी इलाज कर दो। हाँ तो पेन कॉपी निकाल लीजिए, मैं बताने वाला हूँ। पेन कॉपी है ना आपके पास? पेन को अभी है, लेकिन मैं लिख नहीं पाऊंगी जल्दी से, दूसरे को दे दूं फोन। हाँ, दीजिए, दूसरे को फोन दे दीजिए। जी ऐसा लगता है कि दीवार में सर मारो। हाँ जी जी मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, आप मुझे देखिए, मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इतने किसी से लिखवाना शुरू करिए। देखिए एक्सरसाइज ये है, सीधा बैठे हैं ऐसा, और ऐसे 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 खूब जोर से मोड़िए, दुश्मन समझ के यहाँ तक लाइए। 2 मिनट 4 मिनट रोज करना है, और एक ये भी आपको 2 से 4 मिनट रोजाना करना है। मोंढा ऐसे नहीं उठाना, मोंढा यहीं रहे और कान यहाँ तक जाए। ऐसे अगर आपने किया तो 10वें दिन आपका दर्द चला जाएगा, ऐसा मेरा अनुभव है। दूसरा एक नुस्खा लिख लीजिए, बहुत अच्छा है। अलसी 500 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, और अलसी 500 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, और सौंफ 100 ग्राम, और इसमें 100 ग्राम मिलाएं नमक, नमक कलौंजी, ये सही लेना असली लेना, और इसका पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लें। आप देखेंगे आपकी हर हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं भागलपुर से, राम कुमार हमारे साथ, स्वागत है राम आपका। हाँ जी बोलिए। जी मेरी मम्मी को ना वो मतलब कोई भी कपड़ा उपड़ा अगर बर्तन वर्तन मांजती है ना, तो हाथ में वो मतलब छाला सा पड़ जाता है, मतलब चमड़ी का ना उखड़ने लगता है, और हो जाता है, मतलब छोड़ देती है तो ठीक हो जाता है, फिर मतलब जब करती है तो अति करते हैं, मतलब जी रह जाता है। आप समझ गए? जब भी वो कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, तो उनके छाले निकल आते हैं। अच्छा, देखिए बहुत भावुक है उनका स्किन। ये जो डिटर्जेंट पाउडर या ये बर्तन धोने के वो है ना, इनको ये इनको सूट नहीं करते, इनको कोई बीमारी नहीं है, तो ये काम किसी और पर डाल दीजिए या मशीनों से कराइए। ये कोई रोग नहीं है, बल्कि उनकी जो त्वचा है, स्किन है, वो नाजुक है, तो ये कोई रोग नहीं है। आप ये काम किसी और से करा लिया करें। और शक्ति के लिए मैं उनको बताता हूँ कि उनकी शक्ति अगर अच्छी रहे तो 4 खजूर, 2 अंजीर और 1 पाव दूध में शेक बना के एक बार रोज़ पिलाइए। ये पिलाने से आपकी मम्मी और भगवान दोनों खुश होंगे। जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताइए। हाँ मैं जोधपुर से कर रही हूँ बात, मेरा नाम हुकम कंवर है। जी सवाल करिए।
मेरे क्या मेरे हस्बैंड है उनका दवाई पूछनी थी, नस दबी हुई है और जोड़ों में दर्द रहता है घुटनों में और कमर में नस दबी हुई है मैडम। ठीक है ठीक है। और पैर ये होते ना आगे फने, वो एक पैर में खून जमा हुआ है। ठीक है, हम समझ गया हूँ। उनकी आयु बता दीजिए अगर आप बता सके तो, नाम तो नहीं पूछ रहा मैं, आयु बता दीजिए। उनकी आयु कितनी होगी? चलिए शायद कॉल कट गया या हमारा बॉल कट गया। आप उनको अलसी 500 ग्राम और 100 ग्राम गोंद स्याह, काला गोंद आता है असली लेना। आज इसी उसमें कॉल आई थी किसी नकली लेके खा लिया, तो ये कड़वा होता है, बदसूरत होता है और बहुत बुरा सा होता है, लेकिन फ़ायदे में बहुत अच्छा होता है। 100 ग्राम अलसी और वो सॉरी 100 ग्राम काला गोंद और 500 ग्राम अलसी हल्का सा भून कर पाउडर बना लें अलसी को और इसमें मिला दें और एक एक ग्राम सुबह दोपहर शाम देंगे तो आपके पति की सारी बीमारी ठीक होना मुमकिन है। जी, एमपी से अगले कॉलर हैं, ऋषभ हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हाँ, हकीम साहब से बात कर रही हूँ। जी ऋषभ साहब बताइए क्या सवाल है मेरे लायक। हकीम साहब आपके नुस्खे इतने नायाब है, मतलब पेशेंट को 8-15 दिन में ही सही होने लगते, आप 2-3 महीने की कहते हैं हमें तो बिल्कुल सही है। हकीम साहब इसके लिए आपने पहले सुगंधा और अश्वगंधा हरा जी नुस्खा बताया था उसको सिर्फ जीत के थी बॉम्बे में, सब जगह मैंने चेक करवाया कुछ नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। इसके भी अच्छे नुस्खे हैं, ये तो आम नुस्खा है, आजकल मैं नुस्खा बता रहा हूँ इसी में जो आपके पास नुस्खा है इसमें गौंद स्याह मिला लेते 100 ग्राम, ये सब दवाओं का बाप कहलाता है गौंद स्याह, लेकिन असली मिलना चाहिए। देखिए जो भी नुस्खा बताऊँ उसकी प्रोटेंसी, उसकी खुराक कितनी है, कब लेना है, किसके साथ लेना है और कितना लेना है, ये ज़रूरी है। कुछ लोग गलती भी करते हैं, तो बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल हो तो आपका बता दीजिए। मेरा बेटा है 22 साल का जी, और दांत दिन भर वो किचक करता है जबकि उसको कीड़े है नहीं पेट में, वो चुलचुला है। ठीक है ठीक है। एक नुस्खा बता रहा हूँ वो आप खुद बनाएं, खुद उनको इस्तेमाल कराएं। एक पत्थर होता है जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं संग जराहत, लिख लीजिए संग जराहत। ये एक पत्थर ऐसा है जिसको आदमी, ये पथरीला नहीं होता, होता तो पत्थर है लेकिन इसे ऐसे चबा के खाओ तो आदमी बहुत आसानी से खाता है, किरकिरा नहीं होता ये। इसको इंग्लिश में कहते हैं टैलकम, टैलकम स्टोन, ये पाउडर वगैरह में मिलाया जाता है, लेकिन देख लेना ये संग जराहत नाम से या टैलकम स्टोन नाम से मिलता है, सस्ता मिलता है। तो एक चुटकी में जितना आए इतना शहद मिला के रोज़ एक बार या दो बार उसको खिला दिया करिए, बच्चे की परेशानी ठीक होना मुमकिन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले कॉलर से, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिया है। जी दिया जी, आपका प्रश्न। मेरा प्रश्न है कि मतलब मैं जो बेटी है ना 13 साल की है, उसको डैंड्रफ इतना ज्यादा है, स्कैल्प पूरी ऐसे ही है जैसे छिलके उतरते रहते हैं और ज्यादा डैंड्रफ के कारण मतलब बाल बहुत ज्यादा ही झड़ रहे हैं। ठीक है। डैंड्रफ का बहुत अच्छा इलाज आपके किचन में है, जो दूध की बालाई आप निकालते हैं और महिलाएं अक्सर उसको फिर जला के घी निकाल लेते हैं, ये घी आपके घर का जो निकला हुआ हो वो रात को उस बच्ची के सर में खूब मालिश करके सुला दें, सुबह को उसे स्नान करा दें, ऐसा हफ्ते भर करने से किसी भी तरह का डैंड्रफ का ठीक होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं रामपुर से, गुलफाम हमारे साथ, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम हाकिम साहब। वालेकुम सलाम, जीते रहिए, बताइए क्या सवाल है।
सर मुझे थायराइड भी है और लीवर में इन्फेक्शन भी है, और मैंने पी के रेकासोल 5 के डिब्बे खा लिए, कोई फर्क नहीं है, कोई घरेलू नुक्ता बता दीजिए। ठीक है, थायराइड का क्या हाल है आपके? सर मतलब थायराइड हैगा मुझे और लीवर में इन्फेक्शन है। थायराइड के लिए कुछ खाया आपने? नहीं नहीं खाया, मतलब गोली गोली चल रही है 100 NG की। ठीक है, अच्छा देखिए गौर से सुनिए, थायराइड वाले पर कोई दवा असर आसानी से नहीं करती है, आप थायराइड का इलाज कर लें, लीवर अपना आप ठीक हो जाता है। और उसके लिए बेहतरीन नुस्खा दुनिया का मैं आपके सामने पेश करता हूँ, आप उसे लिख लें और उसकी क्वांटिटी ज़रूर लिखें। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम और इसमें मिलाई गौंद मोरिंगा 100 ग्राम। गौंद मोरिंगा असली होना चाहिए, सफ़ेद वाला सफ़ेद, इसको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी से खाएं, गर्म पानी से, और वो गोली भी खाएं जो आप खाते हैं, वो गोली हर महीने आपके डॉक्टर उसकी पोटेंसी कम करते जाएंगे और 6-7 महीने में आपकी वो गोली छूट जाएगी और फिर इसको भी छोड़ सकते हैं। ये ठीक होते ही आपका लीवर ठीक होगा, आप अपने थायराइड पर कंट्रोल करें और लीवर अपने आप कंट्रोल हो सकता है। चंद्रपाल पंजाब से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, हाँ जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार जी आदाब, मैं चंद्रपाल सिंह बोल रहा हूँ पठानकोट से। जी 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 जी, जी बताइए चंद्रपाल जी। सर मैंने ना आपके प्रोग्राम में सुना था गोंद सिया दर्दों के लिए ये दवाई जो शरीर में दर्द होती है, तो मैंने अपनी मिसेस के लिए लिया था वो, क्योंकि उनको एक तो ओवरवेट हो गया बहुत है, दूसरा उनके शरीर में बहुत दर्दें होती है, तो गोंद सिया लिया था। वो गोंद सिया आपने बोला था कि कड़वी होती है जो असली वाली, तो वो और मैं जो लेकर आया हूँ वो कड़वी तो नहीं है खाने में, ना फीकी सी है। कहाँ से लिया आपने? वो अंसारी की दुकान से लिया था। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं आप? सर उनके शरीर में ना ओवर वेट है, तो उसके लिए थोड़ा कुछ बताइए मेरे को इलाज। ठीक, और 1-2 साल से हो रहा है। अच्छा देखिए, गौंद सिया का कड़वा होना जरूरी है और आपके पास नकली आ गया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि असली लेना है। गौंद सिया कड़वा होता है, ब्राउन रंग का होता है, काला कहते हैं इसे लेकिन ब्राउन रंग का होता है, और ये आप असली हासिल करें। अगर आपको कोई परेशानी है नहीं मिल पा रहा तो हमारे यहाँ से भी सेवा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि लोड बहुत होता है, इसकी डिमांड बहुत है, इसलिए आपका को थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है, हफ्ता भर 15 दिन, लेकिन हमारे यहाँ से जो भी चीज़ आप तक पहुँचेगी वो असली ही पहुँचेगी, उससे पहले हम किसी को देते ही नहीं। बिल्कुल, तो चंद्रपाल जी आपसे कहना चाहूँगी आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे एक बार संपर्क साध लीजिए। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कुमारी श्रीवास्तव जी, कुमारी श्रीवास्तव जी सवाल आपका। जी डॉक्टर साहब से बात कराना। जी आदावर कुमारी जी, डॉक्टर सुलेमान जी से बात कराना है। जी मैं आपको सलाम पेश कर रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है? सवाल ये है कि मेरे कमर से लेकर पैरों तक दर्द रहता है। जी बोलिए, आगे बोलिए। हेलो, मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए पूरी बात बताइए। हाँ, वो कमर से लेकर पैरों तक दर्द रहता है बहुत ज्यादा। समझ गया, पूरी बात करिए। हाँ, और पेट खराब रहता है बस। ठीक है, हाँ देखिए, एक अच्छा नुस्खा जो भारत में बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ और विश्व में भी जहाँ तक बात पहुँची उसको बड़ी कामयाबी मिली, और वो ये है कि 500 ग्राम अलसी लेकर आप थोड़ा सा भूनें उसे और पाउडर बना लें, और गौंद सिया असली वाला रॉ मटेरियल लें, और ये जायके में कड़वा होता है और सूरत में बदसूरत होता है, लेकिन फ़ायदे में बहुत खूबसूरत होता है। तो 100 ग्राम इसमें गौंद सिया रॉ मटेरियल लेकर पाउडर बना के मिला दें। अब इसका 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम खाएं। ये
मटेरियल जो मैंने आपको बताया ख़त्म होते होते आपकी बीमारी को हर लेगा, लेकिन आपको सब्र रखना पड़ेगा। असली चीज़ें लीजिए, असली नुस्खा अपने हाथ से बनाइए और अपना इलाज खुद कीजिए। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, यानी कुर्सी वाला जो होता है ना बाथरूम, इसे हम मगरबी तहजीब का बाथरूम कहते हैं, कुर्सी वाला। वज़न उठाने का परहेज़ करें, और अगर आप ये 600 ग्राम नुस्खा बनाते हैं, इसके ख़त्म होने से पहले आपकी बीमारी का जाना मुमकिन है।